अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास मैथ्स यूनिट नंबर 2 करेंगे। टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 2 इज़ होल नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 2.1 करवाने से पहले मैं आपको होल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, जीरो से शुरू होंगे और कहीं तक भी जा सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। सम नंबर 1 इज़ राइट दी सक्सेसिव एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। दिए गए होल नंबर्स के सक्सेसर और प्रीडिसेसर लिखने हैं अपने। छोटी क्लासेस में सक्सेसर के लिए स्टेटमेंट यूज होती है व्हाट कम्स आफ्टर, और प्रीडिसेसर के लिए व्हाट कम्स बिफोर। मीन दिए गए नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है वो कहलाएगा सक्सेसर, और दिए गए नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है वो कहलाएगा प्रीडिसेसर। फर्स्ट पार्ट इज 36। 36 का हमने सक्सेसर और इसी का प्रीडिसेसर लिखना है। तो सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए इजी मेथड ये है कि आपने 36 में 1 को प्लस करना है। 36 में 1 प्लस किया 37, ये हो गया सक्सेसर। अब आपने 36 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है, आपने 36 में से 1 माइनस करना है। 6 में से 1 माइनस किया 5, 3 ऐसे ही आ जाएगा। सो 35 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 36 एंड 37 इज द सक्सेसर ऑफ 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 509। 509 से शुरू करने और आपने लगातार नेक्स्ट 3 होल नंबर्स लिखने, कंसेक्यूटिव मीन लगातार 509। अब 509 के नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स लिखने के लिए आपने इसमें 509 में 1 प्लस करेंगे। 509 प्लस 1, 9 में 1 प्लस किया 10, 0 लिखेंगे कैरी आएगा, 0 में 1 प्लस किया 1, 5 इसी तरह आ गया 510। अब 510 में आपने 1 प्लस किया, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा और 5 भी ऐसे ही आ जाएगा। 510 में आपने 1 प्लस किया 511। 511 में 1 प्लस करेंगे 1 और 1 2, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 5 भी ऐसे आ जाएगा। 511 में आपने 1 प्लस किया 512। सो 509 के बाद 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं 510, 511, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से शुरू होंगे और कहीं तक भी जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम नंबर 4। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, दिए गए नंबर्स के जो पेयर्स हैं उसमें से आपने स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर अपने बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 345 और सेकंड वैल्यू है 435। स्टूडेंट्स अगर आपके पास वन डिजिट में कोई वैल्यू दी गई हो तो आपके लिए उसको कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। अगर आपसे बोला जाएगा 6 और 7 में से बताएं कि कौन सा नंबर बड़ा है तो आप इजीली बता दोगे कि 7 6 से बड़ा है। लेकिन जब आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, 3 डिजिट्स इकट्ठे आ गए हैं तो उसको एकदम से उसका कंपैरिजन करना मुश्किल होता है। तो 3 डिजिट्स के कंपैरिजन के लिए एक ईजी मेथड बताया गया है, वो क्या है कि आपने फर्स्ट वैल्यू का जो फर्स्ट डिजिट है वो चेक करना है और सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट डिजिट चेक करना है। फर्स्ट डिजिट इज 3 एंड इन द सेकंड वैल्यू फर्स्ट डिजिट इज 4। वी विल कंपेयर 3 एंड 4। 4 इज ग्रेटर देन 3, सो 435 इज ग्रेटर देन 345। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट दी होल नंबर्स। होल नंबर्स आपने लिखने हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करें तो आप देखोगे कि यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन के लिए सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करवाने से पहले मैं आपको सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। हमारे पास एक सिंबल है, इस सिंबल को बोलेंगे ग्रेटर देन। सेकेंड सिंबल है आपके पास, इसको बोलेंगे लेस देन। ग्रेटर देन एंड लेस देन, अगर ग्रेटर देन के साइन के नीचे जो है एक लाइन ड्रॉ की गई होगी तो आप इसको बोलोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन के साइन के नीचे अगर लाइन ड्रॉ होगी तो आप इसको बोलोगे लेस देन और इज इक्वल टू।
दिस इज कार ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एंड दिस इज कार लेस देन और इज इक्वल टू. सम नंबर 5 इज राइट दी होल नंबर्स. आपने होल नंबर्स लिखने हैं. फर्स्ट पार्ट इज लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9. मीन आपने 15 से छोटे लेकिन 9 से बड़े होल नंबर्स लिखने हैं. 9 से बड़ा होल नंबर कौन से होंगे? 10, 11, 12, 13, 14. 9 से बड़े और 15 से छोटे होल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. ड्रा दी नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग होल नंबर्स. होल नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओगे. नंबर लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ की, उसके स्टार्ट में और एंड पे एक अपने एरो बनाया. नंबर्स आप मेंशन करोगे इसमें 0 से लेके 14 तक. अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट में नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 0, 3, 5 एंड 9. 0, 3, 5 एंड 9. आपने इस नंबर लाइन पे इन चारों होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. 0, जहाँ 0 आपने उसको सर्कल कर दिया, 3 को सर्कल किया, 5 को सर्कल किया और देन 9 को सर्कल किया. ये आपने इन होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया. नेक्स्ट आपके पास है सम नंबर 7. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग अ नंबर लाइन. नंबर लाइन को यूज़ करके आपने इन नंबर्स का सम जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट पार्ट है 1 एंड 3. 1 एंड 3. 1 और 3 का आपने सम फाइंड आउट करना है, लेकिन आपने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन बनाई है आपने, उस पर नंबर्स आपने लिखे. 1 है, आप 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 से स्टार्ट करना है. नेक्स्ट आपके पास 3 डिजिट्स होनी चाहिए. 1, 2, 3, दैट इज 4. इट्स मीन कि आपने 1 में 3 प्लस किया तो वो क्या हो जाएगा? 4. इस तरह से आपने होल नंबर्स का जो सम है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है.